बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिंदर सिंगल ने नजफगढ़ व आसपास के गांवों व कॉलोनियों में जल भराव का दौरा किया। उन्होंने जल भराव के कारण हुए नुकसान पर दिल्ली सरकार से मुआवजे की मांग भी की। किसानों के लगभग 400 एकड़ की खेती जो तबाह हो गई, उसका मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए। प्रशासन कब जागेगा? जब किसान मर जाएंगे तब जागेगा। आपको बता दें कि नजफगढ़ के जोड़ोदा, दिचाऊ व अनेकों गांवों में खेतों के साथ साथ कॉलोनियों में पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मैं यहां पर खड़ा हूं गीतांजलि एंक्लेव, तो जोड़ोदा से लगता हुआ बॉर्डर का एक कॉलोनी है। आप देखिए चारों तरफ जलमग्न हो गई, चार चार फुट पानी भरा है। अशोक पंडित जी मेरे साथ खड़े हैं, गाँव के भी लोग खड़े हैं, कॉलोनी वासी भी यहाँ पर हैं। आखिर इस दर्द की दवा क्या है? चार फुट गहरा होने के कारण न सड़क नजर आ रही है, न मकानों की कोई सुरक्षा है, न आवागमन का मार्ग है। और जैसा हमारे झड़ोदर के किसानों के लगभग 400 एकड़ की खेती जो तबाह हो गई, उसका मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए। हरिंदर सिंगल ने बॉर्डर पर बैठ आंदोलन कर रहे किसानों पर भी निशाना साधा। ही किसानों की धरने की, वो लोग किसान नहीं है, क्योंकि किसान कभी भी जो धरती का सीना चीर कर अन्न उपजाता है सारे लोगों के लिए, वो कभी भी लोगों को परेशान नहीं कर सकता। ये धरने में जो लोग बैठे हैं राजनीति के चलते बैठे हैं, इनको कोई फंडिंग कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि सरकार अब इस पर बहुत समय हो गया सख्त एक्शन ले और रास्ता क्लियर कराए, क्योंकि कोई भी गाड़ी ट्रक गिर गया तो कोई कितने लोगों की जान जा सकती है, बहुत परेशानी हो सकती है। इस विषय को बहुत प्राथमिकता देकर सरकार हल करे, पब्लिक एक्शन ले, उससे पहले सरकार एक्शन ले ले इनके ऊपर, ये बॉर्डर खाली करवा दे जल्दी से। यहाँ पे हर रोज गाड़ी वालों को जिंदगी नरक हो गई एकदम से। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इसको जल्दी से जल्द खाली करवाया जाए इस रोड को। जोड़दा गांव के अशोक पंडित जी ने भी प्रशासन को बुरी तरह लताड़ा। हमने कैलाश गहलोत को कल व्हाट्सएप भेजा था, यहाँ का फिल्म बना कर पूरा भेजा था, कोई कार्रवाई उसने नहीं की। और गोपाल राय जी को भी एक व्हाट्सएप भेजा था, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे गांव के सैकड़ों एकड़ जमीन डूब गई, जिसमें गोभी की फसल पूरी बर्बाद होगी। एक भाई की 3 लाख रुपए की नर्सरी बनाई थी, गोभी की नर्सरी तैयार की थी, वो पूरी तरह डूब चुकी है। कल उसकी आंखों में पानी था, उसको देखकर हमारी आंखों में भी पानी आ गया था। ये प्रशासन कब जागेगा? जब किसान मर जाएंगे तब जागेगा। इधर ये गीतांजलि कॉलोनी वाले दुखी हैं, उधर झड़ोदा ग्रामवासी दुखी हैं। हम अब कब तक ही प्रशासन को ये गुहार लगाते रहे? लिखा सितम किस्मत में, तो हाकिम को याद क्या करना? जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना? इस बेनूरी पर दिल्ली रो रही है, फ्री फ्री के कारण से आज कहीं पर भी विकास नहीं है, कहीं पर भी सड़कें नहीं हैं, कहीं पर भी व्यवस्थाएं नहीं हैं। सब लोग आज दिल्ली के इतने परेशान हैं, त्रस्त हैं, कि आज हम गीतांजलि एंकरेव के हाथ हाल को देखकर समझ सकते हैं कि जब एक मंत्री की विधानसभा का ये हाल है तो आम दिल्ली का क्या हाल होगा। और लोगों को दुख दर्द से तड़पने के लिए छोड़ देते हैं, कोई यहाँ देखने नहीं आता। इतनी बेदर्दी, इतनी लोगों से ना रुखी वो आखिर क्यों? न्यूज़ 43 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।